हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलन वी ओपिनियम का 10.22 का प्रॉब्लम नंबर 10.22 का ए पार्ट देखने जा रहे हैं। 10.22 प्रॉब्लम नंबर में जेड ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक्सप्रेस ऑल सम इन क्लोज्ड फॉर्म। जो भी जेड ट्रांसफॉर्म आएगा उसको क्लोज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं कि सीरीज के फॉर्म में खोल के आपको रख देना है। अगर सीरीज के टर्म में आया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आया है, उसको कुछ भी सम का फॉर्मूला लगा के उसको क्लोज फॉर्म में लेके आना है। स्केच द पोल जीरो प्लॉट, जब क्लोज फॉर्म में आ जाए तो उसको पोल जीरो फाइंड करके और उसको कार्टेशियन प्लेट में स्केच करना है। इंडिकेट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी, आरओसी को भी डार्क करना है, जैसे भी आरओसी पता करके उसका मैपिंग करनी है। इंडिकेट वेदर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया है कि अगर यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू वन आरओसी के अंदर लाई करता है, मतलब मॉड जेड इक्वल टू वन पुट करने पे जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल या स्टेबल सिग्नल सिस्टम का ही पॉसिबल है। तो ए पार्ट में दे रखा है 1/2 to the power n यू एन प्लस 4 माइनस यू एन माइनस 5। ए रेक्टेंगुलर सिग्नल है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है एक्स जेड इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू डी पावर माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। और यूएन है तो यूएन को पहले सिंप्लीफाई कर ले। यू एन इक्वल टू होता है 1 और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। प्लॉट करेंगे यू एन को तो ऐसा हो जाएगा। प्लॉट करके ही माइनस भी करना है तो प्लॉट करके ही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, इस तरह से चलेगा ना। यहां से यू एन प्लस 4 फाइंड करेंगे तो ये 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 0 वाला माइनस 4 पे। टाइम शिफ्टिंग आपने पढ़ा है, टाइम शिफ्टिंग का वीडियो देख सकते हैं। बेसिक्स तो आप करके ही आए होंगे जेड ट्रांसफॉर्म में। माइनस 3, माइनस 2 पे 1, माइनस 1 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 1, इस तरह चलेगा। ऐसे ही यू एन माइनस 5 करें तो यू एन माइनस 5 है ना, तो 5 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। यू एन माइनस 5 को प्लॉट करें तो 0 वाला 5 पे चला जाएगा। 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, ऐसे चलेगा। इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो यू एन प्लस 4 माइनस यू एन माइनस 5 करें तो क्या होगा, क्या हो जाएगा देखिए। माइनस 4 के पहले तो वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। माइनस 4 के पहले 0 है, माइनस 4 पे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। फिर माइनस 3 पे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। माइनस 2 पे भी 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। माइनस 1 पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे 1, 4 पे 1 ना। 5 पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 6 पे भी 1 माइनस 1 0 होगा। 5, 6, 7, 8 आगे सारे वैल्यू 0 होंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, यू एन प्लस 4
माइनस यू एन माइनस फाइव की वैल्यू होती है वन होती है माइनस फोर से, माइनस फोर से लेके फोर के बीच, जीरो अदरवाइज होती है, जीरो अदरवाइज। ठीक है, अब इसको वन बाई टू टू रिपावर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एक्स एन इक्वल टू है हमारा वन बाई टू टू रिपावर एन यू ऑफ एन प्लस फोर माइनस यू ऑफ एन माइनस फाइव ए इक्वल टू हो जाएगा, ए वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन बाई टू टू रिपावर एन इंटू वन, वन बाई टू टू रिपावर एन हो गया, एन इक्वल टू माइनस फोर टू फोर के बीच, जीरो अदरवाइज। अब एक्स एन की वैल्यू जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये तो आपने लिख लिया होगा, तो बता देते हैं लिमिट हो जाएगा एन इक्वल टू माइनस फोर टू प्लस फोर, बाकी सारे n के वैल्यू के लिए एक्स एन की वैल्यू जीरो है तो जीरो ही होगा। अब इनफाइनाइट सम का तो हमने फॉर्मूला देखा था ना जी, फाइनाइट सम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार हम लिखवा चुके हैं फाइनाइट सम का फॉर्मूला, पहले इसको फॉर्म में ले आए, एन इक्वल टू माइनस फोर टू फोर वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर एन। तो फाइनाइट सम का क्या फॉर्मूला होता है पहले उसको लिखिए और उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एन इक्वल टू ए टू बी एक्स टू डी पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स टू डी पावर ए इंटू एक्स टू डी पावर बी माइनस ए प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समेशन के लिए। ठीक है, इसको बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा होगा, एक्स टू डी पावर बी प्लस वन माइनस एक्स टू डी पावर ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, सेम चीज है, एक्स टू डी पावर ए बाहर कॉमन लेकर रखते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बताइए इसमें आरओसी की बात होगी या नहीं होगी, आरओसी क्या होगा, चूंकि आरओसी कब होता है, आरओसी का मतलब वैसे रीजन जिसमें जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कब करता है इसकी बात चर्चा करें, डाइवर्ज कब करता है जब समेशन की वैल्यू इंफिनिटी आती है, समेशन की वैल्यू इंफिनिटी आती है तो हम कहते हैं कि इस रीजन में डाइवर्ज कर रहा है और जिस पे इंफिनिटी नहीं आएगी उस रीजन में कन्वर्ज करेगा। तो इसका समेशन जब फाइनाइट वैल्यू है माइनस फोर से फोर तक है तो ये कभी भी इंफिनिटी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है कभी इंफिनिटी, तो कभी भी ये समेशन डाइवर्ज करेगा क्या, नहीं करेगा जब कभी भी डाइवर्ज, तो इसका आरओसी इंटायर जेड प्लेन होगा, जेड के किसी भी वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। हाँ, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां पे इंफिनिटी हो सकता है, वहां डाइवर्ज कर सकता है, हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पे अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो हम बोल देंगे कि एक्सेप्ट दैट पॉइंट कन्वर्जेज इन इंटायर जेड प्लेन। तो लगा लेंगे फॉर्मूला, यहां लिखता हूं वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर एक्स टू डी पावर ए को कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस फोर, ठीक है, यही वाला लगा लेते हैं, बी प्लस वन मतलब फोर प्लस वन फाइव माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स कोई नहीं, ए वाला लगाया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर माइनस फोर इंटू, ये आदत रखिए ए वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, सिग्नल सिस्टम में ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा यूजफुल होता है, थोड़ा कैलकुलेशन बचाता है, पता नहीं यहाँ बचाएगा कि नहीं बचाएगा, हमें उतनी है ना ध्यान नहीं है, बहुत दिन हो गए बनाए हुए। b माइनस ए प्लस वन अपर लिमिट फोर माइनस
लोअर लिमिट माइनस फोर प्लस वन माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, वन बाई टू जेड इनवर्स माइनस वन, ठीक है, पता नहीं वही लगाना अच्छा रहता भाई, ठीक है, वही वाला पहले वाला ही लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा वन बाई टू जेड इनवर्स, वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर, इससे मल्टीप्लाई कर देते ना, ठीक रहेगा, तो क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन बाई टू जेड इनवर्स टू डी पावर माइनस फोर डिवाइड बाई वन बाई टू जेड इनवर्स माइनस वन, ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा टेंशन बड़ा समस्या है भाई, ये हो गया टू टू डी पावर फोर इंटू जेड टू डी पावर फोर, ये नाइन हो जाएगा ना, फोर फोर एट प्लस वन नाइन, टू टू डी पावर टू अपॉन जेड टू डी पावर नाइन, वन बाई टू जेड टू डी पावर नाइन माइनस वन डिवाइड बाई वन बाई टू जेड माइनस वन, एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया टू टू डी पावर फोर इंटू जेड टू डी पावर फोर, वन माइनस टू जेड टू डी पावर नाइन डिवाइड बाई टू जेड टू डी पावर नाइन इंटू एलसीएम होके वो टू जेड ऊपर चला जाएगा, टू जेड अपॉन वन माइनस टू जेड, ये कट पीट के कितना बचेगा भाई, टू का पावर फाइव नीचे टू का पावर नाइन है ना, वन माइनस टू जेड टू डी पावर नाइन, टू जेड का पावर फाइव टू जेड का पावर नाइन, टू जेड का पावर फोर नीचे बचेगा, वन माइनस टू जेड, ठीक है, तो पोल और जीरो निकाल ले थोड़ा, ये आ गया एक्स जेड है ना, एक्स जेड इक्वल टू हो गया वन माइनस टू जेड टू डी पावर नाइन डिवाइड बाई टू टू डी पावर फोर सिक्सटीन जेड टू डी पावर फोर इंटू वन माइनस टू जेड, ये आ गया, ठीक है, आर ओ सी इंटायर जेड प्लेन, इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू वन बाई टू पे दिख रहा है ऐसे तो पोल है, लेकिन पोल होगा नहीं, पोल और जीरो दोनों कैंसिल आउट कर देगा, अभी पोल जीरो जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसका पोल जीरो भी फाइंड करें, पोल एट पोल निकालना है तो जेड टू डी पावर फोर इंटू वन माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, जेड टू डी पावर फोर इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो आ गया ऑफ ऑर्डर फोर, ऑर्डर फोर का पोल है जेड इक्वल टू जीरो पे, और वन माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, यहां से टू जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन बाई टू पे एक पोल आ गया, ठीक है, जीरो कहां पे होगा, जीरो एट वन माइनस टू जेड टू डी पावर नाइन इक्वल टू जीरो, टू जेड टू डी पावर नाइन इक्वल टू वन, अब इसके नाइन पावर है ना, तो नाइन जीरो हो गया ना, जितने पॉलिनोमियल इक्वेशन के जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, टोटल नाइन रूट्स इसके फाइंड करेंगे, वन ही लेके मत कर दीजिएगा कि है ना, इसके टोटल नाइन रूट्स होंगे, कैसे नाइन रूट्स निकालेंगे, इसका तरीका है वन को e टू डी पावर जे टू के पाई लिख सकते हैं, e टू डी पावर जे टू के पाई वन होता है, ऐसे वाले केस में ये ध्यान रखा करिए, e टू डी पावर जे टू के पाई वन होता है, तो वन को एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो e टू डी पावर जे टू के पाई लिख सकते हैं, और e टू डी पावर जे टू के प्लस वन पाई माइनस वन होता है, इसको आप माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस वन जब रहेगा तो e टू डी पावर जे टू के प्लस वन पाई लिख देंगे, और प्लस वन रहेगा तो e टू डी पावर जे टू के पाई लिख देंगे, ठीक है, टू जेड हो गया, यहां से
टू जेड निकालेंगे तो ए पावर नाइन उधर जाके पावर डिवाइड हो जाएगा टू डी पावर जे टू के पाई बाई नाइन हो गया, जेड निकालेंगे तो वन बाई टू ई टू डी पावर जे टू के पाई बाई नाइन, के इक्वल टू जीरो वन टू थ्री अप टू एट तक पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू आई। अब जीरो जीरो एट जेड इक्वल टू वन बाई टू फोर के इक्वल टू जीरो है ना, के इक्वल टू जीरो के लिए क्या है के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू वन बाई टू पे जीरो आएगा, विल बी वैनिश्ड बाई पोल एट जेड इक्वल टू वन बाई टू। अब जेड इक्वल टू वन बाई टू पे पोल भी है, जेड इक्वल टू वन बाई टू पे जीरो भी है, जेड इक्वल टू वन बाई टू पे पोल भी आ रहा है, के इक्वल टू जीरो पुट करने पे जेड इक्वल टू वन बाई टू पे जीरो भी आ रहा है, तो पोल एंड जीरो बोथ विल बी वैनिश्ड ईच अदर है ना, एक दूसरे को वैनिश्ड कर देगा, मतलब जेड इक्वल टू वन बाई टू पे ना तो पोल बोलेंगे ना तो जीरो बोलेंगे, ठीक है समझ गए होंगे। अब इसे प्लॉट भी करना है, ये जितना भी है जेड इक्वल टू आपका 1 बाई टू ई टू डी पावर जे टू के पाई बाई नाइन है, यहां से सबका मॉड जेड निकालेंगे तो ई टू डी पावर जे थीटा का मॉड 1 होता है तो 1 बाई टू ही आएगा, तो एक ही सर्किल पे लाई करेगा, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं जेड इक्वल टू अगर आर ई टू डी पावर जे थीटा है तो आर ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, आर ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज कितना एंगल बना रहा है वो थीटा होता है, तो इस हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हैं रियल इमेजिनरी। ये 1 बाई टू मान लिया डिस्टेंस हो गया, ये ओरिजिन है तो जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये 1 बाई टू पे जो पोल और जीरो, या तो पोल और जीरो दोनों को दर्शा सकते हैं, यहां पे पोल भी है और यहां पे जीरो भी है, या तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये तो वैनिश्ड कर देगा एक दूसरे को तो छोड़ भी सकते हैं। k इक्वल टू वन पुट करेंगे तो टू पाई बाई नाइन एंगल आएगा ना, टू पुट करेंगे तो फोर पाई बाई नाइन, पाई बाई टू से छोटा ही रहेगा तो k इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, सेम डिस्टेंस वन बाई टू रेडियस का, ये जीरो नहीं पोल नहीं जीरो है ना, ये एंगल बनाएगा टू पाई बाई नाइन है ना, ये हो गया z इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे टू पाई बाई नाइन, ऐसे ही टू पुट करेंगे तो ये आएगा जेड इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे फोर पाई बाई नाइन, ये पाई बाई टू से थोड़ा छोटा है, फिर थ्री पुट करेंगे तो सिक्स पाई बाई नाइन, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये देखिए ना 4.5 रहता तो ये पाई बाई टू होता ना, तो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जितना एंगल ए है उतना ही एंगल नहीं, इससे ज्यादा है, तीन गुना ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, एक सर्किल बनेगा ना इस तरीके से, इसी सर्किल पे सारे लाई करेंगे, 1 बाई टू सबका ओरिजिन से डिस्टेंस है, जेड इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे 6 पाई बाई नाइन, फिर 3 पुट कर दिया, 4 पुट करेंगे तो 8 पाई बाई नाइन यहाँ पे आएगा, जेड इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे 8 पाई बाई नाइन, 5 पुट करेंगे तो 10 पाई बाई नाइन इधर होगा, इसके सीध में आएगा, ये जो लाइन गई है इसी के सीध में आएगा, जेड इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे 10 पाई बाई नाइन, हाँ ये सारे एंगल बराबर होंगे है ना आपस में, ए ए ए ए सब एंगल सेम होंगे, ये ध्यान रखिएगा 2 पाई बाई 9 का एंगल होगा, 12 पाई बाई 9 अगला 12 पाई बाई 9 3 पाई बाई 2, ये तो पूरे सूर्य आ गया ना, 12 पाई बाई 9 तो आपका हो गया कितना हो गया, नहीं नहीं 12 पाई बाई 9 होगा अगर 3 से काट दें तो 4 पाई बाई 3 है ना, एक्सिस पे नहीं जाएगा ये होगा, जेड इक्वल टू 1 बाई टू ई टू डी पावर जे 4 पाई बाई 3, ठीक है 3 पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा ही रहेगा, फिर 12 के बाद 14 पाई बाई 9 होगा,
जेड इक्वल टू वन बाई टू ई टू डी पावर जे 14 पाई बाई 9, ठीक है। फिर जेड इक्वल टू कितना होगा, 8 तक पुट करना है ना, 8 पुट करेंगे तो 16 पाई बाई 9, 1 बाई टू ई टू डी पावर जे 16 पाई बाई 9, फिर 9 पुट करेंगे तो ये वापस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 9 नहीं पुट करना, 0 से लेके 8 तक ऐसे 90 होंगे, 90 में से एक 0 तो वेनिश ही कर गया है, तो टोटल 8 0 इसके, नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 8 है। तो ये देख लिया आपने कि कैसे इसका पोल और जीरो प्लॉट करेंगे। आरओसी इसका देखेंगे तो आरओसी क्या है, आरओसी आपका इंटायर जेड प्लेन है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो पे, जो जेड इक्वल टू जीरो पे एक और पोल था ना जी, हाँ एक पोल कहां पे है, जेड इक्वल टू जीरो पे है, यही एक पोल है, एक लौता एक और क्या बोल रहे हैं ऑफ ऑर्डर 4 का, आरओसी इंटायर जेड प्लेन होगा, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 जो सर्किल होगा वो तो आरओसी के अंदर लाई करेगा, मॉड जेड इक्वल टू 1 पे ये जेड ट्रांसफॉर्म तो कन्वर्ज करेगा ही, तो सिंस आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन, इसका मतलब मॉड जेड इक्वल टू 1 लाई विद इन आरओसी, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसी से पता चलेगा कि मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 विद इन द आरओसी डार्क एरिया के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद है कि समझ में आई होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगी समझ में, इस टाइप के और भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है कमेंट में जरूर लिखें, कोई सजेशन होगा तो कमेंट में जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब करके लिखें, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर आने वाली है, आएगी, बहुत सारी हमने डाल भी दिए हैं और बहुत सारी अच्छी बातें आने वाली भी है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।